वाइब्स, वेलकम बैक भैया। रातों रात एनडीए के नंबर कैसे बढ़े? ओह, ये बड़ी प्लानिंग थी बेटा जी, तुमको क्या पता। नीतीश कुमार, चंद्रा बाबू, मोदी न्यूज की पाठशाला। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा किया है कि बढ़ाए हैं, ताकि वो कौन है नीतीश कुमार, उसके दिल में दुख दुख होती रहे कि मैंने ज्यादा किया ना लालच, तो मेरा मेरे को जो मिलना है वो भी मेरे हाथ से जाएगा। तो उसके लिए वो डर जो पैदा करना था ना, वो पैदा कर दिया गया है। तो अब वो थोड़ा संभल के अब मांगे करेगा, अगर कर रहा है। अभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि कई न्यूज बोल रहे हैं मांगे कर रहा है, कोई बोलता है नहीं कर रहा है, तो हमें तो अभी पता नहीं चल रहा है। तो चलो देखते हैं। मोदी सरकार का तीसरा सीजन शुरू होने वाला, 9 जून की डेट आ चुकी है। हेलो, 8 से 9 हो गई है। शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। 8 नहीं, अब 9 है। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ चल रहा है और वो बहुत कुछ कह रहा है। 293 से एनडीए के नंबर 303 कैसे हो गए रातों रात? अब तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा हो गए लगता है, क्योंकि जो लोग एनडीए को बोलने के सपने देख रहे थे उनको ये सुनकर झटका लगेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कौन से मंत्रालय मिलने वाले हैं और बीजेपी ने कौन से मंत्रालयों के लिए साफ मना किया है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का हर रास्ता क्लियर है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसकी तस्वीरें भी शुरू हो गई हैं। अरे वाह, तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। तो यानी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी, तो 9 को तो हो ही रहा है इसका मतलब। राष्ट्रपति भवन भी तैयार होना शुरू हो गया है। जबकि आज क्या जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर अपना तीसरा टर्म शुरू करेंगे और इतिहास लिखेंगे, क्योंकि आजाद भारत में नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि तीसरा टर्म, तीसरा लगातार तीसरा टर्म जो है उसमें घुसने वाले, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले। सारे रास्ते इसलिए भी क्लियर है क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से बात कर ली। एनडीए की मीटिंग कल ही हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने एनडीए का नंबर भी रातों रात बढ़ा लिया। अब यह नंबर सिर्फ 293 नहीं रह गया है, ये नंबर 300 के पार पहुंच चुका है। हमने आपको कल ही बताया था कि 17 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में है ना इंडी गठबंधन। इनमें 7 निर्दलीय शामिल थे, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं, नवीन पटनायक की बीजेडी के 1 सांसद हैं, ओवैसी की एआईएमआईएम का 1 सांसद यानी खुद ओवैसी, वीपीपी का 1 सांसद, जेडपीएम का 1 सांसद और एएसकेपीआर के अलावा बीएपी का 1 सांसद। अब सूत्रों के मुताबिक आज जो खबर आई उससे यही है पता चल रहा है कि एनडीए के साथ 10 सांसद इनमें से जुड़ गए हैं, 7 बचे मतलब दल और निर्दलियों से और भी इनमें से किसको जोड़ लिया होगा। का आंकड़ा 293 नहीं 303 पहुंच गया है और ये दोनों ऐसे पक्ष के लिए, और उसका भी तो कह रहे हैं एनडीए वाला का वो भी तो आने का हो सकता है, वो भी आ जाए। खुश थे भाई, एक तो इंडिया अलायंस, उनको लग रहा था सरकार कभी भी गिर जाएगी, एनडीए 303 पहुंच गया। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग जिनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बोला था, वही बोला था ना, मैंने ये बताया था। उधर इंडी गठबंधन से इस वक्त की बड़ी खबर आ गई, इंडी गठबंधन का टूटना शुरू हो गया। वही तो कह रहा हूं, कौन बंदा उसका नाम है, मुझे बोल रहा है एनडीए तोड़ने वाले थे, वो इंडी गठबंधन फूट टूट रहा है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान आ गया है, लोकसभा चुनाव तक ही कांग्रेस से साथ था गोपाल राय ने कह दिया है, और कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अब अकेले लड़ेगी। तो पंजाब में तो इनका गठबंधन नहीं हुआ, दिल्ली में दोनों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था कि शादी थोड़ी ना की है। गोपाल राय का बयान सुनिए, उनको ये लग रहा है ना कि अब हम टक्कर दे सकते हैं इलेक्शन का रिजल्ट देके, इसलिए भागे होंगे अब निकल रहे हैं। कि ये रिलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है, दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। हारोगे ओ भाई, हरा देना, इसमें ना गड़बड़ कर देना। टूटना शुरू हो गया है, हालांकि एनडीए एकजुट है। एनडीए के नेता कल ही नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट दे चुके हैं और उन्हें अपना नेता मानकर ये मैसेज दे चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए तैयार है। एनडीए के नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने पीएम मोदी को वो सपोर्ट दे दिया जो उन्हें इस वक्त चाहिए।
लेकिन इसके बदले में बीजेपी से उन्हें क्या चाहिए? हर सहयोगी मनी मन तैयार करके बैठा है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया और अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी उन्हें कितना कुछ दे पाएगी और किस हद तक उनकी डिमांड पूरी कर पाएगी। कल एनडीए की मीटिंग हुई थी, आज एनडीए की पार्टियों ने अपनी अलग अलग मीटिंग, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आज नेताओं के साथ अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग, एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग, कल सुबह जेडीयू के सांसदों की भी एक मीटिंग होगी। इन मीटिंग से जो डिमांड लिस्ट निकल कर आएगी उस पर बीजेपी कितना तैयार होगी, कितना तैयार नहीं होगी, या बीजेपी से जो बात हुई होगी वो इन सांसदों को बताया जाएगा कि भाई ये हो सकता बात हो चुकी है, अब इनसे बात करें कि ये बातें हुई हैं, अब ठीक है कि नहीं है उस टाइप से, क्योंकि इसके बाद 9 जून को पीएम मोदी को शपथ लेनी है। यार जल्दी ले लो शपथ। बीजेपी के जो पार्टनर है उनमें सबसे ज्यादा डिमांड अभी टीडीपी की होगी, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के पास बीजेपी के सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा 16 सीटें। कल पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए दिखे, तो इसका सीधा संकेत ये था कि नायडू इस वक्त एनडीए में खुद को नंबर, उसको भी लग रहा होगा मैं ज्यादा हो गया हूं, मैं कुछ भी मांगूं, और इस हिसाब से वो चाहते भी होंगे कि उन्हें सरकार में ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले। ठीक ना, खूब सारे से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट क्या हो सकती है वो आपको बताता हूँ। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पोस्ट भी मांग सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि अटल जी की गठबंधन सरकार में टीडीपी के पास लोकसभा स्पीकर की पोस्ट थी। 1998 में टीडीपी के जेएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर बने थे और वो 2002 तक, तो वो तब का टाइम था, अब तो स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये अक्सर उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती है। ऐसे में मुश्किल है कि बीजेपी स्पीकर की पोस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अगर टीडीपी ने ज्यादा जोर दिया तो बीजेपी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट टीडीपी को दे सकती है, लेकिन स्पीकर की पोस्ट दे इसकी गुंजाइश कम दिखती है। गुड, यानी ज्यादा झुकने का नहीं है, मिलेगा इस पर बहुत डाउट है। लेकिन इसके अलावा टीडीपी कई मंत्रालय भी चाह रही होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनछन कर आ रही है उसके मुताबिक टीडीपी 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद पर पद की मांग कर सकती है। ट्रांसपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय जैसे वो मंत्रालय मांग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी टीडीपी मांग कर सकती है। उसको इंग्लिश में क्या होता है? टीडीपी को जो मंत्रालय मिल सकते हैं उस पर सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को हो सकता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिल जाए, वो क्या होता है, स्टील मंत्रालय उनको ऑफर हो सकता है। नागरिक उड्डयन क्या होता है? बिजनेस, नागरिक बिजनेस, नागरिक बिजनेस क्या होता है? इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी अपनी डिमांड लिस्ट बना चुकी होगी, वो तो पहली बना के बैठी हुई है। 12 सांसद हैं और वो बिहार में बीजेपी के इंपॉर्टेंट सहयोगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, इस लिहाज से नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत अहम है, न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी। अब सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कितने और कौन कौन से मंत्रालय मांग सकती है इस पर क्या जानकारी आ रही है वो बताता हूं। जेडीयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। इसमें ग्रामीण विकास, रेलवे और कृषि जैसे मंत्रालय मांगे जा सकते हैं। जेडीयू के पास रेल मंत्रालय पहले भी रह चुका है, नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, डूब रहा था कुछ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। ये सारी बातें छोटी मोटी दे दो ना। इसी तरह से एनडीए के दूसरे लोग भी चाह रहे होंगे कि मोदी कैबिनेट में उन्हें भी या उनके लोगों को भी जगह मिले और अहम मंत्रालय मिले। इन पार्टनर्स को भी बीजेपी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इनमें चिराग पासवान की एलजेपी है जिनके 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जिनके 7 सांसद हैं, जीतन राम मांझी हैं जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल जो मोदी कैबिनेट में 2 बार से मंत्री हैं, जयंत चौधरी जो चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आए, पवन कल्याण जिनकी जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में गठबंधन में। अब किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये कब तक पता चलेगा? कुछ क्लियर 9 के बाद होगा कि 9 से पहले होगा? ये सीट आपने नरेंद्र मोदी को कम दी, तो अभी जो नरेंद्र मोदी का फोकस था कि कैसे नरेंद्र, ये सब हमने बोला था ना, यही बात हमने बोली, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, ये सब हमने बोला था ना। देखिए कैसे फोकस शिफ्ट होना पड़ा, मुश्किल हो गया, तो बोला कि किसको क्या देना है, स्टेप ऑफ द वे पढ़ना पड़ेगा। हम बता चुके नरेंद्र मोदी अभी ये दिमाग लगा रहे होते कि अब क्या करना है और कैसे, उसकी जगह 20 लफड़ों में कचरे में फंस गए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के बंटवारे के जिस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा बात हो रही है उस फॉर्मूले के मुताबिक हर 4 सांसद पर 1 मंत्रालय मिलने की बात कही जा रही है। यानी जैसे टीडीपी के 16 सांसद हैं तो उनको 4 मंत्रालय मिल सकते हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं तो 3 मंत्रालय मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं है। शिवसेना शिंदे के 7 सांसद हैं तो उन्हें 2 मंत्रालयों की उम्मीद होगी।
चिराग पासवान के 5 सांसद हैं तो उन्हें कम से कम एक मंत्रालय की उम्मीद होगी, 2 की होगी, यानी 4 सांसदों पर एक मंत्रालय मिलने की बातें कही है। कितने मंत्रालय? हालांकि बीजेपी ये समझती है कि ये गठबंधन की सरकार है और इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं होगा कि हर डिमांड ही मान ली जाए। और नहीं तो क्या? सूत्रों का कहना है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों को और गठबंधन के धर्म के तहत काम करेगी, किसी सहयोगी को अतार्किक और अनावश्यक मांग के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी, ये बीजेपी मानकर चल रही है। अच्छा। मंत्रालयों के बंटवारे में सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अपने सभी सहयोगियों को बीजेपी साथ लेकर चलेगी। देख लो, वही तो कहा था कि अब विकास से शिफ्ट हो गया है ध्यान कि कैसे सब बस पावर में रह सके, कहीं बीच में रस्ते 5 साल करा दें, कुछ काम नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस पीपल, क्योंकि इन लोगों ने तो डालनी है अड़कने डालने। रेलवे के पीछे जेडीयू क्यों पड़ा है पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आती। रेलवे लेके डुबा दोगे रेलवे को भैया, कुछ और ले लो, कुछ ज्यादा खाने को मिलता है क्या उसके अंदर? पता नहीं रेलवे की हालत पहले क्या जमाने में क्या, बढ़ने दो यार रेलवे को, बख्श दो रेलवे। मैं तो कह रही हूँ भैया हर डिपार्टमेंट को बख्श दो, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट को तुम लोगे उसका बेड़ा गर्क ही होना है। तो भैया जिस डिपार्टमेंट को पकड़ा वो गया काम से, सोच लेना। इतनी मुश्किलों से बुलेटिन आने वाली थी, अब उसको भी घपला करेंगे, ये हर चीज में घपला होगा। अब इतना कुछ होना था, देखते हैं या तो मोदी जी ऐसी कोई डील करें कि तुमको ये देंगे बदले में ये होना है, ये मिल रहा है तुमको बदले में ये होगा ही, तो उसे एक तो यूसीसी का कर लें और जो 2-3 चीजें जिसमें ये लगता है कि करेंगे दुखी पहले से नंबर इंक्रीज हो गए हैं तो थोड़ा अच्छे हो जाएगा, थोड़ा बेटर सिचुएशन हुई है कि अगर किसी को जाना है तो चले जाओ, इतना हो जाएगा। इतनी अच्छी भी नहीं है, दोनों के दोनों भी चले जाए तो भी कुछ ना मजा आ जाएगा दोनों के दोनों जाने जाओ। इतना नंबर हो कि दोनों का दोनों, वो जो है ना INDIA को तोड़ गए ना, उनमें से किसी को निकाल के लेके आना चाहिए, तब बात बनेगी। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।